भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 54 सीटें जीतने का प्रचार कर रही है, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। असल में कांग्रेस की 54 छोड़ 24 सीटें विधानसभा चुनाव 2023 में आ जाएं तो ये बड़ी बात होगी। कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है और लीडरशिप समाप्त हो रही है, धीरे धीरे कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। तो ये कौन कह रहा है कि 54 सीटें जीती जाएंगी, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में जब कांग्रेस पूरी तरह से डूब रही है तो इस डूबते जहाज में 54 कहाँ से आ जाएंगी, ये कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से करती है कि इतने तो हम जीत ही रहे हैं। तो अपना ही सर्वे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा है, ये काम कोई भी कर सकता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह समय समय पर इनको आईना जरूर दिखाते रहते हैं। इसमें भी मुझे लगता है कि जो 54 की बात कर रहे हैं, ये 24 भी आ जाएं तो बहुत होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, लीडरशिप समाप्त हो गई, अप्रासंगिक हो गई, तो ये कौन कह रहा है कि 54 जीत जाएंगे। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में जब कांग्रेस पूरी तरह से डूब रही है तो डूबते जहाज में 54 कहाँ से आ जाएंगे। तो ये कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से करती है कि इतने तो हम जीत रहे हैं, तो ये अपना ही सर्वे अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना तो कोई भी बन सकता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह समय समय पर इनको आईना जरूर दिखाते रहते हैं। और इसमें भी मुझे लगता है कि ये जो 54 की बात कर रहे हैं, ये 24 भी आए ना, तो 2023 आने दीजिए, वक्त नजदीक है और आकर के परिणाम देखेंगे, तब हम लोग बात करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।